अस्सलाम वालेकुम, वसीम सज्जाद वसीम की दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल पर मैं पाकिस्तान में बनने वाला जो स्ट्रीट फूड है, हिडन जेम्स हैं और फेमस पॉइंट्स हैं, उनको आप लोगों के सामने लेके आऊँ। साथ ये सुगौदा का स्ट्रीट फूड कवर करवाने में मेरे जो साथ हैं वो अली भाई हैं। अली भाई से आप लोगों का तारुफ करवा देता हूँ। अली भाई माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सरगोधा के स्ट्रीट फूड को जानते हैं, हिडन जेम्स के बारे में जानते हैं और काफ़ी बाज़ौक आदमी है, खाने पीने के शौकीन है। वीडियो बनाने आए हैं यहाँ पे, हमें एक चिकन कार्न सूप है उसको कवर करना है। मियाँ जी चिकन कार्न सूप है, वैसे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इनके बारे में सुना है, अली भाई की रिकमेंडेशन है कि ये सबसे बेस्ट हैं। आते सिर्फ सर्दियों में हैं क्योंकि ये सर्दियों की आइटम है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाते हैं। तो चले चलते हैं। अच्छा जी, तो ये हम आ चुके हैं, मियाँ जी चिकन कार्न सूप एंड यखनी है। तो मैं आप लोगों का इसका ना एड्रेस समझा देता हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सिटी रोड है, ठीक है, ये गोल चौक है, गोल चौक की ये मस्जिद है, ऊपर मस्जिद है, इंशाल्लाह आपको किसी दिन मस्जिद का भी व्यू दिखाऊँगा मैं। तो ये सिटी रोड से आप आएँगे तो ये सामने आंगन बुतीक खान सूप वाले हैं, तो उनके साथ बिल्कुल ये अकमल सरगोधा मेडिसन के नाम से शॉप है, उसके बिल्कुल आगे जो है ना भाई ने ये एक छोटी सी रेड़ी लगाई हुई है। तो चलते हैं, देखते हैं, भाई से बात करते हैं। अच्छा जी, तो ये हम आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भजन क्या कुछ होता है आपके पास? हमारे पास सूप होता है, देसी मुर्गे की यखनी होती है। कितना कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? चार साल हो गए। अच्छा, सिर्फ सर्दियों में आते हैं? तो अच्छा, गर्मियों में क्या करते हैं? लेमन सोडा होता है, दूध सोडा होता है, शरबत वगैरह। वो किस जगह पे होता है? वो भी इसी जगह पे। सिर्फ सूप है या कुछ और भी है? सूप भी है, यखनी देसी मुर्ग की। दिखा सकते हैं? दिखाएं जरा। ये थोड़े से बाहर निकाल के ऐसे जरा त्रेड़ा देना ऐसे करके। ये जी इनकी है देसी मुर्ग की यखनी। बोटी मिलती है साथ या सिर्फ यखनी है? अच्छा, यखनी यार, बोटी भी पा दिया करो। अच्छा जी, ये इनका रेट लिस्ट है जी, चिकन कार्न सूप 100 रुपये, चिकन अंडा सूप 130 और देसी मुर्गा यखनी 100 रुपये। चलो सर जी, फिर एक लगाओ साढ़े लिए, एक प्याला तुसी सूप का लाओ तो एक मुर्गी यखनी का लाओ। अच्छा जी, माशाल्लाह भाई के पास काफ़ी रश है, तो ये देखें लोग इसमें जो है लाइन में लग के ले रहे हैं। तो हमारी बारी नहीं आ रही, जैसे बारी आती है तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेड़ियाँ हैं, तो आपने अगर आना है तो ये देखें, मियाँ जी चिकन कार्न सूप के नाम से है इनका, अकमल मेडिसन सरगोधा, अकमल सरगोधा मेडिसन के बिल्कुल सामने इन्होंने छोटी सी रेड़ी लगाई हुई है। माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा निज़ाम है, बर्तन बिल्कुल साफ़ हैं। और अब ये देखें जी, ये प्याला लगा रहे हैं, ये अंडा आ गया, अंडे वाला लगा रहे हैं सर जी, जी चलें ठीक हो गया। मेन आइटम आपकी सूप ही है जी। ये देखें जी माशाल्लाह कितना गाढ़ा सूप है और इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर, अब खा के पता चलेगा कि कैसा है ये। ये क्या आ गया जी? काली मिर्च आ गई, शेजवान नहीं है, सॉरी चिली सॉस, सोया सॉस हो गया, नहीं। अच्छा, ये स्पाइसी करने के लिए जी इन्होंने ये क्या चीज़ है? ये हरी मिर्च, हरी मिर्च कुटी हुई, ठीक हो गया। ये हो गया जी हमारा चिकन सूप और इसके अलावा एक देसी मुर्गा की यखनी। पैकिंग का भी साथ साथ चल रहा है, इसमें यखनी में अंडा ना डालना यार, यखनी में अंडा ना डालना। ये आ गई जी हमारी देसी मुर्गा की यखनी। आपको अभी देखते हैं, सिटिंग का भी इनके पास है रोड साइड पर ही, लेकिन दो चार टेबल लगे हुए हैं तो आप यहाँ पे बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा आ चुका है यखनी और सूप, दोनों चीज़ें साथ में। ये इन्होंने ज़रा मसाले वगैरह, कोई सिरका है, ये चिली सॉस है और ये सोया सॉस, ये पानी पड़ा हुआ है, ग्लास है, मतलब एक जैसे प्रॉपर रेस्टोरेंट की लुक देने की कोशिश की है। माशाल्लाह अच्छी कोशिश है एक छोटे से सेटअप पर, तो जायका भी अभी देखते हैं इसका सुना। अच्छा जी, ये अंडा है नीचे
और ये मिक्स कर रहे हैं, इसमें कॉर्न है और ये चिकन के भी काफ़ी ज़्यादा पीसेज हैं। अच्छा, इसके अलावा ये यखनी है। अच्छा, यखनी वही टिपिकल होती है जैसे सूप की। अब मैं जो है ना वो एक सिप लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। अली भाई, अच्छी रिकमेंडेशन है आपकी। ठीक है, तो जी आप भी आएँ यहाँ पे, इंजॉय करें। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और जो घंटी वाला बटन है ना उसको भी दबा लिया करें, ताकि अगली कोई वीडियो जो है आप तक पहुँचने में कोई मुश्किल ना आए। अल्लाह हाफिज़।